नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। मैं हूं हेमंत गुप्ता। पेश है अब तक की बड़ी खबर। उत्तराखंड के रुड़की सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने लूट मामले में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस को 50,000 की नकदी और एक देसी पिस्टल भी बरामद हुई है। पुलिस को भी बदमाशों के एक और साथी की सरगर्मी से तलाश है। गौरतलब है कि बीती 14 फरवरी को बाइक सवार 3 बदमाशों ने रॉयल इनफील्ड के कर्मचारी से दिन दहाड़े तमंचे के बल पर 3.5 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस सीसीटीवी कैमरे और सर्विलांस की मदद से बदमाशों तक पहुंची और तीनों लुटेरे बदमाशों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि दोनों लुटेरे सहारनपुर के देवबंद के निवासी हैं और एक रुड़की गंग नहर कोतवाली क्षेत्र का निवासी है। रॉयल इनफील्ड के कर्मचारी अजय वीर और राहुल तोमर ने ही लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसके लिए दोनों ने देवबंद निवासी सूफियान को इस काम की जिम्मेदारी सौंपी थी। फिलहाल पुलिस फरार बदमाश की तलाश में जुटी है। 14 तारीख के दिन में 3:30 बजे करीब एक घटना हुई थी, जिसमें कुछ बदमाशों के द्वारा 3.5 लाख रुपए की लूट की गई थी। उसमें आज 3 लड़कों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 2 लड़के उस योजना बनाने में थे और एक लड़का उसमें गिरफ्तार किया गया है। वो सूफियान देवबंद का रहने वाला है, वो इस घटना को अंजाम देने में था, जिससे 50,000 रुपये और एक देसी पिस्टल बरामद हुआ है। 2 लड़के अभी जो गिरफ्तार किए गए हैं वो देवबंद के हैं, एक लड़का यहाँ गंगनहर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तराखंड के रुड़की से अलीश जैदी की रिपोर्ट।